जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके भी फेस पर कोई एलर्जी हुई है? क्या आपको भी कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं? तो आप ये काम जरूर करके देखिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हमेशा मैं जिस ईमेल आईडी से अपना सत्संग शेयर करती थी, उसमें कुछ इश्यू हो गया था, तो मैं उस वजह से अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी और ना ही यूट्यूब चला पा रही थी। लेकिन मैंने जैसे ही न्यू आईडी बनाई और सोचा कि आंटी जी को अपना सत्संग शेयर करती हूँ, तो मुझे आंटी जी की ईमेल आईडी ही नहीं मिल रही थी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने गुरु जी से कहा कि अब आप ही देख लो कि आंटी जी को मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं। और जैसे ही मैंने थोड़ी देर बाद न्यू ईमेल आईडी खोली, तो आंटी जी को मैंने अपना सत्संग शेयर किया। ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है। संगत जी, मेरी बेटी के फेस पर और सिर पर बहुत एलर्जी टाइप सा हो गया था, तो मैंने उसके गेरू लगाया, रोटी में डालकर उसकी रोटी बना कर दी, वह भी खिलाया। पर जैसे वह ठीक होती थी, फिर अगले दिन स्कूल जाती थी, स्कूल जाते ही उसे फिर वैसे ही हो जाता था। वो बहुत परेशान हो गई थी, कहती थी मम्मी कि बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मैंने उसे बोला कि बेटा एक काम कर, तू गुरुपा का जल प्रसाद अपने फेस पर लगा और गुरुपा से अरदास कर कि गुरुपा मेरी ये एलर्जी ठीक कर दो। तो ऐसे ही 2-3 दिन खुद गुरुपा को सोच कर मंदिर में जल प्रसाद रखती थी, फिर उसी जल प्रसाद को उसके जहाँ जहाँ एलर्जी थी वहीं पर लगाती थी। उसने ऐसा 1-2 दिन किया, 3रे दिन जाकर उसे बहुत आराम मिला और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई। और फिर उसने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, मुझ पर, दोनों बच्चों पर, मेरे पति पर और मेरे परिवार के अंग संग गुरुजी हमेशा रहते हैं। हमें नहीं पता है कि हमारे ऐसे कौन से बुरे कर्म हमने किए हैं जिसका हमें हर किसी भी तरीके से भुगतान करना ही होता है। गुरुपा, आप कहते हो कि आप हमें 10% ही भुगतान देते हो जब कर्म हमारे किए हुए हैं, और उसका 90% तो गुरुजी अपने ऊपर कर्म ले रहे हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही दे रहे हैं, लेकिन वो 10% भी हम रो रो के काटते हैं। उसमें भी हम यही सोचते हैं कि हमें ही क्यों भुगतने के लिए मिल रहा है। गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है, आप महान हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उन पर भी गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं। गुरुजी हर इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा के बारे में हम हमेशा कितना कुछ सुनते हैं, लेकिन हम बस अप्लाई करना भूल जाते हैं। इतने सत्संग आते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कल करते हैं, परसों से करते हैं, और वो कल परसों कभी आ ही नहीं पाता। अगर आप में से भी किसी को भी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी जल प्रसाद लगाकर ठीक कर सकते हैं, गुरु जी के चंदन के तिलक से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं या फिर बोलते ही रह जाते हैं कि गुरु जी ये क्या कर दिया, ये कैसे ठीक होगा। जब तक हम कुछ करके नहीं देखेंगे, तो वो प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम करना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं कहते कि तुम बैठे रहो, कुछ मत करो, सब कुछ मैं कर दूंगा। इसलिए संगत जी, ये सारे सत्संग आप सबके लिए ही होते हैं। हर सत्संग में हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलता है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में हमें अप्लाई भी करके देखना होता है। हम सिर्फ सत्संग सुनते हैं और बंद करके बैठ जाते हैं, ऐसे हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती।
हमें जो भी सत्संग में आंसर मिलता है हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना चाहिए, ताकि गुरुजी हमें भी अपने मिरेकल्स दिखा सके और हमारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।